अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज तारीख है 7 मई 2023 और सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं इस वक्त अपने होम टाउन टोवर टेक्सिंग के बस स्टैंड में मौजूद हूं। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो रेल का चैनल है तो इसमें बस कहाँ से आ गई, तो आप लोग टेंशन ना लें, मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे जो है वो किसी काम से जाना है लाहौर और आपको पता ही है कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमेशा ट्रेन ही होती है। और टोबा टैक्सिंग से लाहौर जाने के लिए 41 अब कराकरम एक्सप्रेस भी अवेलेबल है, लेकिन मैं ऑलरेडी उस रूट को जो है वो कवर कर चुका हूँ जब मैं 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के इनॉग्रल को कैप्चर करने के लिए लाहौर गया था। तो आप मेरी वो दोनों वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि रूट और ट्रेन जो है उसको तब्दील किया जाए, तो इसी वजह से मैं बस स्टैंड में आया हूँ। और जी तो दोस्तों वो रूट इस तरह से है कि टोबा टैक्सिंग से 60 किलोमीटर के फासले पर चीचा वतनी शहर है जिसका रेलवे स्टेशन मेन लाइन 1 पर है और वहाँ से काफ़ी ट्रेनें लाहौर की तरफ जाती हैं। तो इसी वजह से मैं बस स्टैंड में आया हूँ और यहाँ से बस का इस्तेमाल करते हुए चीचा वतनी जाऊँगा और चीचा वतनी से फिर ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए लाहौर जाऊँगा। और मैं किस ट्रेन पर चीचा वतनी से लाहौर जाऊंगा वो मैं आपको चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद बताऊंगा। चलिए बस में बैठते हैं और चीचा वतनी पहुंचते हैं। जी तो दोस्तों अभी मैं बस में सवार हूं और टोबा टैक्सिंग से रवाना हो चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द चीचा वतनी पहुँच जाऊँगा। जी तो दोस्तों चीचा वतनी की तरफ मेरा सफ़र जारी है और अभी हम कमालिया शहर में दाखिल हो चुके हैं और कमालिया शहर की लेवल क्रॉसिंग से थोड़ी देर में गुजरेंगे। कमालिया शहर में भी एक रेलवे स्टेशन मौजूद है जो कि शोरकोट कैंट किला शेखुपुरा ब्रांच लाइन पर वाक़ है और यहां से सिर्फ एक ट्रेन 121 अप 122 डाउन रावी एक्सप्रेस गुजरती है, लेकिन वो रात को गुजरती है तो इस वजह से दिन के टाइम में यहाँ की लेवल क्रॉसिंग जो है वो ओपन ही रहती है। तो अभी कुछ ही देर में हम कमालिया शहर की लेवल क्रॉसिंग से गुजरेंगे। आप साइड में कमालिया रेलवे स्टेशन की फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लेवल क्रॉसिंग से गुजर चुके हैं कमालिया शहर की और अभी बस तकरीबन 15 से 20 मिनट में चीचा वतनी पहुंच जाएंगे और फिर वहां से ट्रेन में अपने सफ़र को लाहौर तक जारी रखेंगे। जी तो दोस्तों अभी मैं चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और आप पीछे चीचा वतनी रेलवे स्टेशन का बोर्ड देख सकते हैं। तो मैंने आपको टोबा पे बताया था कि चीचा वतनी पहुँच कर आपको बताऊँगा कि मैं किस ट्रेन पर लाहौर तक जर्नी करूँगा चीचा वतनी से। तो वो ट्रेन है 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस जिस पर आज मैं चीचा वतनी से लाहौर तक सफ़र करूंगा। और अभी ट्रेन जो है वो कसोवाल रेलवे स्टेशन जो कि चीचा वतनी से पिछला रेलवे स्टेशन है उससे पास हुई है और 5 से 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो चलिए उसका अराइवल कैप्चर करते हैं और फिर अपनी जर्नी का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस बस कुछ ही मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो मैं आपको चीचा वतनी रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि चीचा वतनी रेलवे स्टेशन मेन लाइन 1 पर 1011 किलोमीटर मार्कर पर वाक़ है और इस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनों के लिए 4 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। तो 7 अप तेज़गाम की लाइट्स जो है विजिबल हो चुकी हैं, चलिए उसका अराइवल कैप्चर करते हैं और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों अभी आप सामने देख सकते हैं 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस GU409016 के साथ चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। तो दोस्तों 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस
ने डिपार्चर विसल दे दिया है और ट्रेन अभी चीचावतनी रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। जियो 49016 की जबरदस्त चगिंग आप सुन सकते हैं। दोस्तों जियो 49016 की जबरदस्त चगिंग के साथ चीचावतनी से रवाना हो चुकी है 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस। गाइस आप सामने जियो 49016 की बैक साइड देख सकते हैं और तेजगाम एक्सप्रेस में यही फ़ायदा होता है कि जो इंजन के पीछे वाली जो बोगी होती है वो पैसेंजर के लिए होती है और इंजन का बैक व्यू बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहां से इंजन का साउंड भी बहुत ज़बरदस्त होता है। दोस्तों अभी हम हड़प्पा रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रहे हैं। हड़प्पा के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही पुराना और कदीमी शहर है। तो दोस्तों अभी हम साहिवार रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं टू डाउन खैबर मेल जियो 49024 के साथ साहिवार रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। तो दोस्तों साहिवार रेलवे स्टेशन हम पहुंचने लगे हैं।
ने देखा टू डाउन फेबर मेल अभी यहाँ से रवाना हुई, प्लेटफॉर्म नंबर एक पर जा रहे हैं। और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं टू डाउन खैबर मेल पर साहिवाल से चीचापनी तक गया था, उसमें मैंने बताया था कि साहिवाल का प्लेटफॉर्म नंबर एक जो है वो पाकिस्तान का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। जी तो दोस्तों, अभी मैं साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और सामने आप GU409016 देख सकते हैं जो कि 7UP तेजगाम एक्सप्रेस को कराची से लाहौर तक लीड कर रहा है। जी तो दोस्तों, अभी साहिवाल से रवाना हो रहे हैं और सामने आप साहिवाल से रेल फैन अमजद भाई मुझे मिलने के लिए आए थे, लेकिन ट्रेन जो है वो जरा जल्दी पहुंच गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली बार सही। दोस्तों अभी साहिवाल से रवाना हो रहे हैं। तेनू नाल खिंच के लै जाना उन्हें। जी तो दोस्तों, साहिवाल से रवाना हो चुके हैं और निकलते ही आप GU409016 की जबरदस्त चगिंग सुन सकते हैं। आज इस ट्रेन को जो ड्राइवर साहब लीड कर रहे हैं उनका नाम है जनाब शाकिर साहब और उनके साथ असिस्टेंट ड्राइवर राणा शहजाद साहब। मुल्तान से लेकर लाहौर तक इस ट्रेन को वो लीड कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, साहिवाल रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अभी हम
यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रहे हैं और यूसुफ वाला का आप यार्ड देख सकते हैं। यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ से यूसुफ वाला कोल पावर प्लांट में जो मालगाड़ियाँ जाती हैं वो यहाँ पर आगे स्टे करती हैं और फिर उनको आगे कोल पावर प्लांट में भेजा जाता है। साहिवाल रेलवे स्टेशन पर पहले एक लोको शेड मौजूद था, लेकिन जब से यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन बना और यहाँ पर लोको शेड बनाया गया तो साहिवाल का जो लोको शेड है वो ख़त्म कर दिया गया। आप सामने कूल होपर्स भी देख सकते हैं जो कि कराची से कोयला लोड करके यहाँ पर आती हैं और फिर उनको पावर प्लांट में भेजा जाता है। यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन से स्लो स्पीड में थ्रू पास करने के बाद GU40-9016 फिर से एक्सेलरेट कर रहा है और आप उसकी जबरदस्त चगिंग सुन सकते हैं। जी तो दोस्तों सामने आप GU40-9030 देख सकते हैं जो कि यूसुफ वाला लोको शेड की तरफ जा रहा है और यूसुफ वाला पर ट्रेन जो है वो अभी रुकी है और मुझे मालूम पड़ा है कि एक आदमी ट्रेन से उसने छलांग मारी है और वो पटरी पे गिर चुका है। तो दोस्तों अभी हम यूसुफ वाला से रवाना हो चुके हैं और यूसुफ वाला पर एक हादसा पेश आया कि एक आदमी ट्रेन से उतरने के चक्कर में जाके जो पुराने इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनमें टकराया है और खबर यही है कि उसको काफ़ी शदीद चोटें आई हैं लेकिन बच गया है। और मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि काइंडली चलती ट्रेन से ना उतरें। दोस्तों सामने आप जो दो लाइनें देख रहे हैं ये यूसुफ वाला से कोल पावर प्लांट की तरफ जाती हैं। दोस्तों सामने आप यूसुफ वाला कोल पावर प्लांट देख सकते हैं और यूसुफ वाला से जो लाइनें कोल पावर प्लांट की तरफ जाती हैं वो पावर प्लांट की तरफ मुड़ चुकी हैं। कराची से कोयला लोड होता है और यहाँ पर आता है और फिर उस कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। उकाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रहे हैं और अभी ट्रेन अगला स्टॉप उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर करेगी।
दोस्तों अभी कुछ ही देर में हम उखाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और आप सामने नेशनल हाईवे N5 जो कि रेलवे लाइन के साथ साथ जा रही है उसको देख सकते हैं। ये नेशनल हाईवे N5 जो है ये पिशावर से शुरू होती है और कराची तक जाती है और ML1 के साथ साथ ही रहती है। अगर आप लाहौर से रावलपिंडी और पिशावर तक सफ़र करें तो रास्ते में बहुत जगह पर आपका इससे आमना सामना होता रहेगा। हमें उखाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जा रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 मेन लाइन अप जो है उसके साथ ही वाके है। तो दोस्तों आपने प्लेटफॉर्म पर रेस्क्यू 1122 के भी अहलकार खड़े हुए देखे और यूसुफवाला पर एक आदमी जो ट्रेन से गिर गया था, मैंने आपको बताया कि उसको काफ़ी चोटें आई हैं तो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए रेस्क्यू 1122 को बुलाया गया है। उखाड़ा रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। जी तो दोस्तों डिपार्चर विसल हो चुका है और ट्रेन अभी उखाड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। सामने आप उखाड़ा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग देख सकते हैं जिसको हाल ही में रीन्यू किया गया था। इससे पहले मैं ट्रेन की लेफ़्ट साइड में मौजूद था और अभी मैं राइट साइड में आ चुका हूँ। अभी यहाँ से जो है वो आने वाले तमाम स्टेशन्स को कैप्चर करेंगे। पहले मैं ये आगे वाली बोगी में था जो कि इंजन के बिल्कुल पीछे थी, लेकिन अब मैं उससे पिछली वाली बोगी में आ चुका हूँ। सामने आप उखाड़ा रेलवे स्टेशन का अबेंडेंट कैबिन देख सकते हैं जो कि CBI सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद से अब इस्तेमाल में नहीं है।
तो दोस्तों किसान रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रहे हैं। दोस्तों अभी हम कुछ ही मिनट में पत्तोकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और सामने आप पत्तोकी की नर्सरीज देख सकते हैं जो कि रेलवे स्टेशन से पहले रेलवे लाइन के साथ मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। जी तो दोस्तों अभी हम पत्तोकी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और पत्तोकी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस को लिया जा रहा है। जी तो दोस्तों अभी मैं पत्तोकी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। जी तो दोस्तों अभी हम पत्तोकी रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं
और 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी रायवन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। तो देखते हैं कि इन दोनों ट्रेन्स का क्रॉस जो है वो कहां पर होता है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि छांगा मांगा के आसपास ये क्रॉस होगा। जी तो दोस्तों, अभी हम छांगा मांगा रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रहे हैं और ट्रेन जो है वो थोड़ी सी स्लो स्पीड में यहाँ से थ्रू पास कर रही है। तो यहाँ पर तो 10 डाउन के साथ हमारा क्रॉस नहीं हुआ, अब देखते हैं आगे कहाँ पर 10 डाउन के साथ क्रॉस होता है। तो दोस्तों, अभी हम अबेंडेंट बोए आसर रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हुए हैं और बस अभी 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ हमारा क्रॉस होने वाला है। तो दोस्तों, 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ हमारा क्रॉस कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन से पहले हो चुका है और अभी बस हम कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन को भी थ्रू पास करने वाले हैं। जी तो दोस्तों, अभी हम कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रहे हैं और इससे और कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ हमारा क्रॉस हुआ। ट्राईपोर्ट से थ्रू पास हो रहे हैं और सामने आप कंटेनर ट्रेनें देख सकते हैं। कराची से जो केपीए ट्रेनें निकलती हैं वो प्रेमनगर ट्राईपोर्ट पर आती हैं और फिर यहाँ पर उनको शंट किया जाता है। आप सामने एक क्रेन को देख सकते हैं जो कि ट्रेन की बोगी से कंटेनर को उतार के ट्रक पर रख रहा है।
जी तो दोस्तों अभी हम रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और रायवंड को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहां से एक ब्रांच लाइन कसूर पाकपतन बूरेवाला विहाड़ी से होती हुई लोधरा तक जाती है और फिर ML1 में शामिल हो जाती है। रायवंड रेलवे स्टेशन की भी बिल्डिंग को हाल ही में रीन्यू किया गया है। और ये आप सामने रायवंड जंक्शन की नई बिल्डिंग देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों रायवंड जंक्शन पहुंच चुके हैं और बहुत ही स्पीडी रन रहा रास्ते में आप देखते आए हैं और बाल जो है बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, मिट्टी घुस चुकी है बालों में। तो अभी रायवंड जंक्शन पहुंच चुके हैं और अभी इस ट्रेन का अगला स्टॉप लाहौर जंक्शन होगा। तो दोस्तों अभी हम रायवंड जंक्शन से रवाना हो चुके हैं और अब इस ट्रेन का अगला स्टॉप लाहौर जंक्शन होगा। खूबसूरत कर्व पर प्लेटफॉर्म नंबर यह रेलवे स्टेशन मौजूद है। बग्गा से थ्रू पास होने लगे हैं। जिया बग्गा लाहौर के लिए कोल यहां पर अनलोड होता है जो लाहौर के लिए आता है। आप सामने कोयला देख सकते हैं, कराची से जो कोयला लाहौर के लिए आता है वो यहाँ पर आगे अनलोड होता है और फिर आगे उसको इस्तेमाल किया जाता है। अबैंडेंड रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हुए हैं और अभी हम लाहौर शहर में दाखिल हो चुके हैं।
अब आने वाला रेलवे स्टेशन कोट लखपत होगा। दोस्तों काना काजा के अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन से अभी थ्रू पास किया है और आप स्पीडोमीटर पर 7 तेजगाम की स्पीड चेक कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रफ्तार के साथ लाहौर में दाखिल हो रही है। मुसलसल 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लाहौर में दाखिल हो रही है 7 तेजगाम एक्सप्रेस। जी तो दोस्तों अभी हमने कोट लखपत रेलवे स्टेशन को थ्रू पास किया है और 8 तेजगाम एक्सप्रेस के साथ हमारा क्रॉस हो रहा है। दोस्तों 7 तेजगाम एक्सप्रेस लाहौर शहर में दाखिल हो चुकी है और GU 49016 बहुत ही शानदार रफ्तार के साथ ट्रेन को लीड कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से थ्रू पास होने लगे हैं जो कि लाहौर जंक्शन से पहले आखिरी स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक साउंड के साथ लाहौर कैंट से थ्रू पास हो रही है 7 तेजगाम एक्सप्रेस। दोस्तों बस अभी हम कुछ ही देर में लाहौर जंक्शन पहुंच जाएंगे और सामने आप ट्रेन खड़ा हुए देख सकते हैं। एक GM U15 भी यहाँ पर मौजूद है।
और सामने आप लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन देख सकते हैं, जहां पर एक रेक मौजूद है जो कि वॉश हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और सेवन अप तेजगाम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर प्लेस किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये सफ़र पसंद आया होगा, जिसमें मैं बस पर टोबा टेक सिंह से चीचावदनी तक आया और चीचावदनी से फिर सेवन अप तेजगाम एक्सप्रेस में चीचावदनी से लाहौर आया। रास्ते में साहिवाल रेलवे स्टेशन से पहले 2 डाउन खैबर मेल, कोट राधा किशन पर 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस और कोट लखपत और वाल्टन के दरमियान 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस से हमारा क्रॉस भी हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये यूनिक सी जर्नी पसंद आई होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्द एक और अच्छी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।